वंस अगेन आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिशन गाइड स्टूडियो में। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द सो साइन। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सही समय पर मिलती रहे। और आपको ये एंड तक देखनी है वीडियो, क्योंकि मैं इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको साथ में बताऊँगा और इसकी समरी भी बताऊंगा। लास्ट में आपको एक पीडीएफ दे दूंगा जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो स्टोरी। इस तरह है कि जो ऑथर हैं, ऑथर का नाम है शास्त्री भट्ट, वो खड़े हैं एक कनाट सर्कस के सामने खड़े हुए। तो वो ट्रैफिक को निहार रहे होते हैं इस तरह से आराम से खड़े। उनके पास सिर्फ 5 रुपये थे, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। वो ये भी इतने असमर्थ नहीं थे कि एक आलू की चिप्स खरीद सकें। तभी एक लड़का आता है जिसका नाम है सोहन लाल। एक पॉलिश करने वाला लड़का आ जाता और उनसे कहता, साहब श्रीमान आपको जूते पॉलिश कराने? तो ऑथर कहते हैं, लेखक कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं कराने। तो लड़का कहता है सोहन लाल कि सर चार आने की तो बात है और क्या कहते हैं आप करा लीजिए जूते। कहते हैं मुझे नहीं कराने। और वो वहाँ से चलने लगता है। कौन चलने लगता है? लेखक चलने लगता है वहाँ से। और जो सोहन लाल था वो लेखक के पीछे पीछे चलने लगता है। अब वो थोड़ा सा मिसबिहेवियर थोड़ा सा वैसा हो रहा था, यानी उसे पसंद नहीं कर रहा था उस लड़के को। तो लड़का कहता है ऑथर से कि साहब आप यहाँ किस लिए आए? वो कहते हैं जी मैं जॉब के लिए तलाश में, काम के लिए। तो लड़का कहता है आप ये गंदे जूते लेके जाएंगे तो साहब लोग तो वैसे मना कर देंगे, तो मैं वैसे काम नहीं देंगे। तो ऑथर कहता है कि भाई मुझे तो किसी भी तरह नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करेंगे, काम देंगे। और तभी अचानक से यहाँ पे बहुत टर्निंग पॉइंट आया। यहाँ पर अचानक से ऑथर के माइंड में आता है कि भाई तुम कितना कमा लेते हो? लड़के से पूछता है। तो लड़के से पूछता है कि तुम कितना कमा लेते हो? तो लड़का जवाब देता है कि सर दिन की बात है, कभी कभी तो मैं 3 रुपये कमा लेता हूँ और जब पर्यटक आते हैं यहाँ पे भीड़ लग जाती है तब मैं 5 रुपये से अधिक भी कमा लेता हूँ। तो अचानक से लेखक चौंक जाता, भाई ये तो उससे ज़्यादा कमा रहा जो सरकारी बाबू है राम सिंह, जो ऑफिस में बैठ के पंखे के नीचे काम करता है, उससे ज़्यादा कमा लेता है। यही मुझे हल मिल गया है मेरी जॉब का। तो लड़के से कहता है भाई मुझे भी पॉलिश करनी है, जूते पॉलिश करने हैं, मुझे भी कहीं लगवा दो। कौन कहता है? कमॉन, कौन कहता है? ये कहता है, लेखक कहता है। किससे कहता है? सोहन लाल से कहता है। सोहन लाल थोड़ा हंसता है और जैसे इसलिए हंसता है क्योंकि लेखक जो ऑथर है उसका कहीं मजाक तो नहीं उड़ा रहा। तो वो हंसते हुए कहता है अरे साहब आप कहाँ करेंगे पॉलिश? तो लेखक कहता है मुझे सचमुच ही पॉलिश करना है। तो सचमुच पॉलिश करना होता है तो कहते हैं, लड़का कहता है आपके पास कितने रुपए हैं? वो कहता है जी, लेखक कहते हैं मेरे पास तो 5 रुपए। तो जो सोहन लाल था वो थोड़ा शौक हो जाता है, 5 रुपए इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा, जो उसका बक्सा होता है पॉलिश होती है सामान होता है वो कुछ नहीं आएगा। अचानक से दंग रह जाता है। तो लेखक उसका मुंह देखता कहता है देखा मैं सही कह रहा था ना, मेरी एक औकात भी है मैं चिप्स का पैकेट खरीद सकूँ, मैं इतना गरीब हूँ। तो अब रात के 10-11 बज जाते हैं, वहाँ पर एक रिवोली सिनेमा घर होता है। तो वहाँ सिनेमा ख़त्म होता है तो लोग वाग निकलते हैं और वो जो लड़का होता है सोहन लाल से कहता है आप मुझे 11 बजे मिलो, मैं 11 बजे आपका थोड़ा कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करवाता हूँ, अगर आप सच में ही पॉलिश करना चाहते हैं, जूते पॉलिश करना चाहते हैं, क्योंकि अभी मेरे काम का वक्त हो गया मुझे जाना है। तो वहाँ से वो बिछड़ जाते हैं और यानी कि वो लड़का चला जाता है। कौन चला जाता है? सोहन लाल चला जाता है पुलिस करने जूतों के। उसके बाद 11 बज जाते हैं, 11 बजे वो वहीं पे सड़कों पर टहल रहा होता है और वो मिल जाते हैं। तो उसके दोस्त आ जाते हैं वहाँ पर, किसके दोस्त आ जाते हैं? ये सोहन लाल के दोस्त आ जाते हैं, क्योंकि एक टीम होती है जूते पॉलिश करने की, उनके आज्ञा के बगैर दूसरा व्यक्ति वहाँ पॉलिश नहीं कर सकता। तो फिर वो जो सोहन लाल था वो ऑथर को अपने दोस्तों से मिलाता है और कहता है जी ये हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और ये पॉलिश करना चाहते हैं, बट उनके पास क्या नहीं है? पैसे नहीं है, क्या कहते हैं, सामान खरीदने के। तो यहाँ पर टर्निंग पॉइंट यह है, सबको यूनियन ने तो हाँ कर दी थी, अब पैसे नहीं थे। उसके पास कितने पैसे थे? लेखक के पास थे 5 रुपये, ठीक है, और उसमें उतना सामान नहीं आता है। तो उन्होंने क्या करा कि एक काम करते हैं कि हम क्या करते हैं, चंदा इकट्ठा कर लेते हैं और चंदा इकट्ठे करके आपको हम सामान दिलवा देते हैं और जो आपके 5 रुपये ना ये आप अपने पास रखें, आप खाने पीने के लिए रखें अपने पास, और जब आपको कुछ कमाने लगें तो आप मुझे क्या कर दें, ये वापस कर देना।
तो उन्होंने क्या कहते हैं 11 बजे मीटिंग हो गई, ये फैसला ले लिया कि हम कल को आपके पैसे इकट्ठा करके दे देंगे और आप सामान खरीदवा देंगे। लेखक बहुत खुश होता है, उसे काम मिल जाता है और उसके बाद मंडली वहाँ की जो थी टीम थी वो बिखर जाती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन लेखक कहाँ जाता है, लेखक जाता है सोहन लाल के घर पर और वहाँ वो रुकता है। बस इतनी सी स्टोरी है दोस्तों, इतनी सी स्टोरी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट लाइक शेयर जरूर करिए, अगर नहीं आया तो वीडियो को शुरू से देखिए, गारंटी देता हूँ आपको ये 100% समझ में आ जाएगी। और बीच में से जो देख रहे हैं वो प्लीज शुरू से देखें, समझ में आ गई, लाइक कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब मैं डिस्कस करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके जो थ्री हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि भाई उसने सोहन लाल ने लेखक को 11 बजे क्यों बुलाया, है रीजन आपके पास, क्यों बुलाया उसे 11 बजे। 11 बजे इसलिए बुलाया क्योंकि उसका काम का जो काम का वक्त होता है वो खत्म हो जाता है, सब इकट्ठे हो जाते हैं और फ्री हो जाते हैं, इसलिए अच्छे से हम बातें कर सकें। दूसरा, इसमें करेक्टर बताइए, सोहन लाल का करेक्टर क्या, यानी कि सोहन लाल के बारे में बताइए, तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा, जो सोहन लाल था और लेखक था उनकी मुलाकात कहाँ पर हुई, बताइए कहाँ पर हुई। सबसे शुरू में बताया था सर्कल टी सर्कस के सामने खड़ा हुआ था, वहाँ पर अचानक से आ जाता है और कहता है कि सोहन लाल के, उनसे कहता लोग लेखक से कि सर आप शूज करा लीजिए पॉलिश, तो वो मने कर देता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें सोल्व भी हैं, क्वेश्चन आंसर सोल्व है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और उन्हें अच्छे से रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और नीचे व्हाट्सअप भी दिया हुआ है, एंड अगर कोई भी डाउट होता आप कमेंट करिए, मैसेज करिए, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। और ये चैनल आपके लिए सपोर्ट के लिए खड़ा है, कोई भी क्वेरी है NIOS से लेकर आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, पूरी सपोर्ट मिलेगी आपको। आप बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप क्या कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, पूरा पेपर कराया जाएगा। और लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।